ये भाषा का स्तर गिर रहा है, नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए बहुत कड़ा कदम राहुल जी ने मणिशंकर अय्यर के खिलाफ उठाया। इतने बड़े नेता को उन्होंने पार्टी से एक मिनट में निकाल दिया। भाषा का स्तर जो है वो भाजपा के नेता भी गिरा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिराज सिंह जी क्या सोनिया गांधी के लिए गंदी गंदी बातें करते हैं, साक्षी महाराज क्या बोलते हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव क्या बोलते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई उनको करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। हमने तो निकाल दिया मणिशंकर अय्यर को एक मिनट में। और एक दूसरी बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि 2009 के चुनाव में राहुल गांधी को पंचर जोड़ने वाला किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। तो ये भाषा ख्याल उन्हें रखना चाहिए। जिसका नाम आप ले रहे हैं सलमान निजामी, हम लोगों ने तो सुने नहीं। हमारे पार्टी में किसी भी ना राष्ट्रीय स्तर पर किसी पद पर ना कुछ, कौन है यही पता नहीं है। ये हो सकता है कि जो है ये कहीं से कोई नाम ले आए हो, वो है क्या? ऐसे अगर हम शुरू करेंगे तो भाजपा के कौन कार्यकर्ता ने क्या क्या, हम 10 नाम कोट सकते हैं कि बनवारी लाल ने कहा, श्याम लाल ने कहा, फलाने ने कहा, ढिकाने ने कहा। इससे क्या है, आप वो जिम्मेदार पद पे व्यक्ति होना चाहिए जिसने, आपने तो केंद्रीय मंत्री बना रखा, आपके तो केंद्रीय मंत्री उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पे रखिए। ये इधर उधर चूंकि गुजरात में कुछ बोलने का उनके पास है नहीं, ना वो महंगाई पे बोल सकते, ना जीएसटी पे बोल सकते, ना नोटबंदी पे बोल सकते, ना विकास पे बोल सकते, ना बेरोजगारी पे बोल सकते हैं, तो अब उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं। तो किसी निजामी ने, कौन निजामी भैया, आप ही का तो कोई आदमी नहीं है, हम क्या उसका जवाब देंगे। कपिल सिब्बल की रही बात, कपिल सिब्बल तो वकील है, वो तो किसी की तरफ से वकील हो सकते, तमाम वकील हर पार्टी में। उन्होंने कपिल सिब्बल का जिक्र कर दिया, विवेक तनखा का क्यों नहीं किया? विवेक तनखा हमारी पार्टी के एमपी है, बड़े वकील हैं और प्रवक्ता भी है, वो तो शंकराचार्य की तरफ से वकील है उसी केस में, उसका जिक्र नहीं करो क्योंकि आपको वोटों के हिसाब से सूट नहीं करता।